नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। गाजियाबाद के रास्ते यूपी आएगी राहुल गांधी की यात्रा, 3 जनवरी को होगी एंट्री। यूपी रूट को लेकर दिल्ली में मंथन। पीएससी सिपाही से लिए तमंचे और कारतूस, बरेली में पुलिस चौकी में सिपाही को गोली मारने की घटना में दोनों हमलावरों से पूछताछ में खुला राज। आगरा में चांदी कारोबारी के घर आईटी के रेट 3 करोड़ के, अघोषित आय 10 करोड़ रुपए का स्टॉक मिला। पीएम मोदी पर टिप्पणी पर भाजपाइयों में आक्रोश, बहराइच में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूका, जमकर की नारेबाजी। फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, दोनों चचेरे भाई ढाबे पर खाना खाकर वापस लौट रहे थे। युवक को दौड़ाकर बीच चौराहे पर चाकू से गोदा, 9 महीने पहले हुई थी मारपीट, इंस्टाग्राम रील बनाने को लेकर धमकी, 300 मीटर दौड़ाकर हत्या की। भदोही में सड़क हादसे में वृद्ध की मौत, गोपुर चौराहे पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दुकान से घर जा रहा था वृद्ध। रायबरेली में हत्यारोपी के ढाबे पर चला बुलडोजर, 15 दिन पहले दी गई थी नोटिस, बिना नक्शा पास कराए हुआ था निर्माण। अमेठी में लोगों के प्रदर्शन के बाद नाले निर्माण शुरू, 1 माह पहले वार्ड के बाहर लगाया था मतदान बहिष्कार का बोर्ड। फिरोजाबाद डीएम ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण, गरीब असहाय लोगों को वितरित किए कंबल, बच्चों को दिए स्वेटर। रायबरेली में सामुदायिक शौचालय पर लटक रहे ताले, ग्रामीण बोले बनने के बाद नहीं खुला ताला, शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अनजान। श्री बालाजी सरकार सम्मानी हवन में उमड़े श्रद्धालु, शहरी कार्य के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बाबा से लगाई अर्जी। छाता में एटीएम उखाड़ कर चोरी करने की कोशिश, गैस कटर समेत चोरी करने वाले औजार बरामद, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। बस्ती में डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे अस्पताल, बदहाल चिकित्सा सुविधाएं, विशेषज्ञों के अभाव में बंद पड़े अल्ट्रासाउंड। गैस चूल्हा जलाते ही धमाका, दंपत्ति और बेटा बेटी झुलसे, झांसी में धमाका से दीवार गिरी, बम निरोधक दस्ते ने की जांच। मेरठ में रेलवे क्रॉसिंग पर युवक को मारी गोली, 2 किलोमीटर बाइक चलाकर खुद अस्पताल पहुंचा, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने पीठ से गोली निकाली। सिंगापुर की कंपनी बनाएगी 8000 करोड़ में डेटा सेंटर, एजियल कैपिटल के साथ एमओयू साइन, 2000 लोगों को मिलेगी जॉब। टूरिस्ट बस में सवार 13 लोग घायल, वाराणसी में महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं की बस ट्रक से टकराई, घायल बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती। उन्नाव में हेड कांस्टेबल का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, गवाहों के कागजात तस्दीक कराने के एवज लिए पैसे, सीओ सफीरपुर सौंपी गई जांच। नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की टक्कर, 3 की मौत, 13 लोग घायल, एमपी और प्रतापगढ़ से यात्रियों को लेकर जा रही थी दिल्ली।
उन्नाव में होटल ढाबों पर शराब के खिलाफ छापेमारी। एसडीएम ने सीसीटीवी और विद्युत कनेक्शन की जांच की, अवैध शराब पकड़ी। जेवर में कोतवाली घेरने आए लोगों पर एसएचओ बिफरे, जानकारी मांगने पर कहा जेब में लड़की थोड़ी रखा हूं, ले जाकर दे दूं। नौ में लगा रात्रि चौपाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, लाभार्थियों को वितरित की खतौनी। गोंडा में बहुचर्चित जमीन घोटाले में तीन गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज से करवाया था बैनामा, एक आरोपी की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। हरदोई जेल में जज और डीएम ने देखी व्यवस्था, बोले गंभीर बीमार कैदियों का लखनऊ इलाज कराएं, बंदियों से सुविधाओं के लिए जानकारी। आजमगढ़ में पड़ोसी ने दो भाइयों को मारी गोली, एक भाई की मौके पर मौत, पेट और गर्दन पर लगी है चार गोलियां, दूसरा घायल। कुल्हाड़ी से की पंथी की हत्या, मथुरा पुलिस ने आरोपी पति को पकड़ा, 10 साल के बेटे पर भी किया था हमला। थाने तक पहुंचा विदेशी तोते का मामला, हुआ दिलचस्प फैसला, 60,000 रुपए कीमत लगने पर दोनों पक्षों में विवाद, तोता के मम्मी पापा बोलने पर सुलझा मामला। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के अफसरों से होगी पूछताछ, अजय मिश्र के करीबी संतोष को कैसे मिला ठेका, भेजा गया जेल। कानपुर में व्यापारी के घर 14 लाख का डाका, पत्नी को बच्चों बांधा, मुंह पर टेप लगाए, महिला ने विरोध किया तो छापड़ से मारा। आगरा में भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के बाद नाराज भाजपा नेताओं ने फूंका बिलावल भुट्टो का पुतला। और रैया में सीआईएसएफ के खेल मैदान में फटा सिलेंडर, फटने से पिता की मौत, पुत्र घायल। अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने प्रेमिका को गोली मारकर खुद को भी मारी गोली, प्रेमी की मौके पर मौत। औरैया में नकाबपोश बदमाशों ने गल्ला व्यापारी को मारी गोली, गोली मारकर लूट की घटना को दिया अंजाम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, बैठक में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने की तिथि हुई निश्चित। औरैया में कच्ची शराब के खिलाफ एक्शन और छापेमारी जारी, छापेमारी में 1000 किलो लहन किया नष्ट, 20 लीटर कच्ची शराब भी मौके से बरामद। चंदौली में डीएम ईशा दुहा ने धान क्रय केंद्र का किया निरीक्षण, डीएम ने केंद्र पर मौजूद किसानों से वार्ता कर धान खरीद की ली जानकारी। औरैया में विशाल मेले का किया गया आयोजन, आयोजन में जनप्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। बुलंदशहर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा, 14 तमंचे और 90 कारतूस और 1,86,000 की नकदी भी बरामद। तिवरिया में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला, प्रदर्शन में विधायक सुरेंद्र चौरसिया समेत अन्य कार्यकर्ता रहे शामिल। फरुखाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, मुठभेड़ में 25,000 इनामी छात्र बदमाश देवेंद्र उर्फ पिंकू यादव गोली लगने से ढेर।
फिरोजाबाद में बीजेपी नेताओं ने फूंका बिलावल भुट्टो का पुतला। अभद्र बयान पर पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों में आक्रोश की लहर। गाजीपुर में पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो की आपत्तिजनक टिप्पणी से आक्रोश। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल के खिलाफ किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतारा। पुलिस ने दरिंदा आरोपी को किया गिरफ्तार। कन्नौज में भाजपा विधायक जिलाध्यक्ष समेत नेताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूंका पुतला। विवादित बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा। गाजियाबाद के वैशाली स्थित मॉडर्न स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया 19वां वार्षिकोत्सव। डॉक्टर आयुक्त नितिन गौड़ ने किया शुभारंभ। गोंडा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ मंडल मुहेजना में फूंका गया पुतला। बिलावल के खिलाफ दिखा जन आक्रोश। कानपुर में घर में जबरन घुसकर दबंग शोध पर युवती ने अश्लील हरकत छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। पता पूछने के बहाने घर में दाखिल हुए दबंग। लखनऊ के होटल हयात में IIT30 लर्निंग सेंटर और ग्रेविटी क्लासेज। भारत में पहली बार MIT USA में विकसित प्रीमियर इनोवेशन प्रोग्राम किया गया लॉन्च। मैनपुरी में पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। भाजपा कार्यकर्ता जमकर ने की नारेबाजी। प्रतापगढ़ पहुंचे यूपी के कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति। जिला जेल में निरुद्ध कैदियों से मुलाकात कर किया सीधा संवाद। मैनपुरी में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल। दवाई वितरण करने के इंतजार में बैठा मिला कुत्ता। वीडियो वायरल। अलीगढ़ में बेटे के उपद्रव से तंग आकर परिजनों ने हत्या की घटना को दिया अंजाम। हत्या करने के बाद बोरे में बंद कर शव को धान के खेत में फेंका। अलीगढ़ में ग्राम प्रधान के ऊपर तीन लोगों ने किया जानलेवा हमला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में रेप और लूट के आरोपी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ एक छात्र बदमाश के पैर में लगी गोली। गोंडा के कर्नलगंज कस्बे में तहसील कर्नलगंज के मुख्य गेट के पास लगा कूड़े और गंदगी का ढेर। जिम्मेदार बेखबर और कर्मचारी बेलगाम। हमीरपुर में कार व लोडर में हुई जोरदार टक्कर। भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। कानपुर कमिश्नरेट की बजरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात बदमाश व हिस्ट्री शीटर इसराल और ऑटो वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोंडा में जमीन के रंजिश में दो पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर देहात के बलवंत हत्याकांड में शामिल दो और पुलिसकर्मी हुए गिरफ्तार। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में लखीमपुर से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस में हुआ हादसा। हादसे में एक घायल घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। कानपुर विधायक इरफान सोलंकी मामले में नूरी के पिता को पुलिस ने किया उठाया। फर्जी पासपोर्ट बनवाने नूरी पुलिस ने भेजा जेल। ल
लखनऊ नगर निगम जोन 8 में सुर्खियों में चले जोनल अधिकारी प्रज्ञा सिंह का हुआ ट्रांसफर। प्रज्ञा सिंह का जोन 8 से 7 जोन में हुआ ट्रांसफर। कानपुर के मशहूर उद्योगपति विजय कपूर ने थामा भाजपा का दामन। 3 बार से कांग्रेस के विधायक अजय कपूर के भाई हैं उद्योगपति। लखनऊ याजान बिल्डिंग के आसपास के इलाके को पूरी तरह किया गया सील। पीएससी की टुकड़ी की गई तैनात। कानपुर में नशेबाज बाप बेटे ने मचाया उत्पात। घर के बाहर पड़ोसी युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने छात्र छात्राओं को वितरित किए स्मार्टफोन व टैबलेट। बलिया में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया गया वितरित। गोरखपुर में साइकिल सवार को बचाने में स्कूली बस पलटी। साइकिल सवार की मौत। 4 बच्चे आंशिक रूप से घायल। लखनऊ विश्वविद्यालय का बड़ा आदेश। रात 10 बजे के बाद छात्रावास के बाहर आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित। आगरा में जिला अधिकारी कैबिनेट मंत्री व विधायक गढ़ों के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में 2 सहायक अध्यापक व 13 प्रवक्ताओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। प्रयागराज विश्वविद्यालय में क्रिसमस जलसा का किया गया आयोजन। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों नाटक की हुई प्रस्तुति। कुलपति ने परमेश्वर की प्रार्थना भी की। श्रावस्ती में परिषदीय स्कूलों के 56,000 से अधिक बच्चों को नहीं मिला यूनिफॉर्म। अभिभावकों की लापरवाही के चलते खाते में नहीं आई धनराशि। बिजनौर पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किया नेतृत्व। बोले कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। बांग्लादेशी रिजवान को 9 घंटे की रिमांड। पलिया पुलिस ने संदिग्ध बताकर मांगी थी 14 दिनों की रिमांड। साक्ष्य पेश नहीं कर सकी पुलिस। श्रावस्ती में पुल की रेलिंग तोड़कर नहर में गिरा ट्रक। अगला टायर फटने से अनियंत्रित हुआ। हादसे में ड्राइवर चोटिल अस्पताल में भर्ती। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।